So hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is Aniruddh Malik. I welcome you all on Unacademy, India's largest online learning platform. So hello guys, hello to all. कैसे हो आप लोग? All good? Okay, fine. So guys, today we are going to discuss about the pressure bands of. अगर मैं बात करूं, हम बात करेंगे वर्ल्ड की प्रेशर बैंड्स के बारे में. व्हाट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बैंड, व्हाट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बैंड. उसके बाद हम बात करेंगे सब पोलर हाई प्रेशर बैंड के बारे में. फिर हम बात करेंगे पोलर लो प्रेशर बैंड के बारे में या पोलर हाई प्रेशर बैंड के बारे में. और जो सब पोलर है वो बेसिकली लो प्रेशर बैंड है. सो हम इन सारी प्रेशर बैंड के बारे में बात करेंगे. गाइस, हमने हमेशा पढ़ा है कि जो प्रेशर है ना वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर. बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रेशर बैंड्स की, What is pressure band? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी भी 90% स्टूडेंट उन्हें कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते कि ये प्रेशर बैंड फॉर्म किस तरीके से होती है. बस उन्होंने एक चीज याद की हुई है कि यहाँ पर ये वाली है, ये लो प्रेशर बैंड है, उसके बाद ये हाई प्रेशर बेल्ट है, उसके बाद फिर ये लो प्रेशर बेल्ट है और ये हाई प्रेशर बेल्ट है. इस तरीके से चीजें याद की हुई है और वो अपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते. आज हम बात करेंगे कि सर अगर यहाँ पर ये लो प्रेशर बेल्ट है, समझना, और आपने हमेशा पढ़ाया है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. जो टेम्परेचर है और वो प्रेशर दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन है. तो यहाँ पर तो जो आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर तो टेम्परेचर लो है, तो दैट मींस यहाँ पर तो हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए था. बट यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन क्यों हो गया? बल्कि इसके नीचे वाले एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, बट यहाँ तब भी हाई प्रेशर एरिया या जो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हो गया. यही सारे कंसेप्ट है जो आज हमें समझने हैं. गाइस, मैं विजिबल नहीं हूँ. ओके 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 ओके, गॉट इट. जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए. वॉइस का इश्यू आ रहा है अभी भी गाइस. नाउ फाइन. अब एक बार मुझे फटाफट बताइए, एवरीथिंग इज फाइन? वॉइस का इश्यू, विजिबिलिटी, एवरीथिंग इज परफेक्ट? कोई भी डाउट किसी भी तरीके से? ओके, ऑल क्लियर ना? फाइन फाइन. सो गाइज, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर बेल्ट. आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. मैंने क्या बताया था, अगर आप चीज़ों को कभी भी नोटिस करोगे, कभी भी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, तो मैक्सिमम क्या चीज़ें होती हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, वो सिर्फ यही चीज़ समझते हैं कि सर जो इक्वेटर पर बेल्ट है ये लो प्रेशर बेल्ट है, उसके बाद ये वाली हाई प्रेशर बेल्ट है, उसके बाद हाई प्रेशर के बाद ये वाली जो बेल्ट है ये दोबारा आपकी लो प्रेशर बेल्ट है, और उसके बाद दोबारा हाई प्रेशर बेल्ट है. सर हमें तो बहुत सारे फैकल्टीज और बहुत सारे जो और लोग हैं उन्होंने यही बताया कि इस तरीके से याद कर लीजिए, ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इस तरीके से कंसेप्ट को रट लीजिए. बट ये कंसेप्ट आपका गलत है, बिकॉज सर आपने ये भी बताया हुआ है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, या टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है. ये आपने बहुत बार हमें बताया हुआ है, क्लियर है. बट यहाँ पर तो अगर मैं बात करूं, ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर तो टेम्परेचर लो होना चाहिए, और जब टेम्परेचर लो है तो यहाँ पर प्रेशर हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस वाले कॉन्टेक्स्ट पर, यहां से तो ज्यादा लो टेम्परेचर है, बट यहां की प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट है, और ऊपर वाली आपकी लो प्रेशर बेल्ट बन गई या आपकी हाई प्रेशर बेल्ट बन गई. इनके पीछे क्या कंसेप्ट लगा हुआ है? इनके पीछे क्या कंसेप्ट लगा हुआ है? आज वही कंसेप्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे. बस आप चीजों को समझते रहिए और अपने इस कंसेप्ट को रियलाइज करने की कोशिश करना कि कैसे हम चीजों को कवर करेंगे. हम सारी बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी बेल्ट है, किस तरीके से फॉर्म्ड होती है, एक एक करके, ठीक है. सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग ए टॉपिक, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक. I done my BTech from UP T U and I have a teaching experience of more than 5 years. I taught and mentor more than 20,000 of offline students and lakhs of online students. This is my Telegram link, that is geography_5. यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगे. वहीं पर बात करूँ अनअकैडमी पर, मोर देन 100+ टॉप एजुकेटर्स जो अपना एक्सपीरियंस अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करेंगे. वहीं पर गाइज आपका अनअकैडमी का बहुत अच्छा ऑफर है बिकॉज 1 अगस्त के बाद आपके डेफिनेटली प्राइस हाइक होने वाले हैं. सो गाइज आफ्टर 1 अगस्त आपके प्राइस हाइक हो जाएंगे. उससे पहले आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 2,30,000 है वो अब आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल रही है, ओनली 57,500 में. और गाइज ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए, बट इससे अच्छा ऑफर भी आपके लिए है. दैट इज अगर आप कल से पहले 28 जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. दैट मीन्स आपको सिंपली कोड यूज करना है कैपिटल AM10 एंड यू विल गेट 45% डिस्काउंट, जिसमें आपको 49,680 में कंप्लीट जो चीजें मिलेंगी वो प्रीलिम्स मिलेगा, मेंस का मिलेगा, ऑप्शनल का मिलेगा, प्लस इंटरव्यू. दैट मींस कंप्लीट पैकेज मिलेगा. प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिलेंगी. सिंगल सब्सक्रिप्शन कवर एवरीथिंग. ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं 1 ईयर की फीस 49,000, 2 ईयर की फीस आपकी 71,000, 3 ईयर की 81,000. वहीं पर अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो ऑप्शनल के साथ यूजिंग द कोड AM10 तो यहाँ पर आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस सब्सक्रिप्शन. वहीं पर आपका महा ऑफर, जिसमें अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो गाइज यहाँ पर 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपका मेंस तक का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंडेड होगा. दैट मीन्स 2022 का जब तक मेंस होता है आपका सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रहेगा. वहीं पर 2 ईयर का 2023 के मेंस तक आपकी चीजें कवर रहेंगी. लोन की फैसिलिटीज भी आपके पास अवेलेबल है, 0 प्रोसेसिंग फी, 0 इंटरेस्ट रेट. सिंपली कैपिटल AM10 कोड यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है लोन से रिलेटेड, और मेरा नेम मेंशन करना है और आपको इसी से करना है क्योंकि मेंटरशिप और गाइडेंस आपको इजिली वहां पर मिल पाएगी बहुत अच्छे से. उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं UPSC अनलिमिटेड सरप्राइज, आपको 20 बुक्स का कंप्लीट सेट मिलेगा अप टू 10,000 का, वो भी इसी सब्सक्रिप्शन में फ्री है. दीज आर द बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर पूरे कंप्लीटली. उसके साथ साथ आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन है. AM10 कोड यूज करते ही आपको चीजें मिल जाएंगी. बट मैं आपको हमेशा बोलूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए अभी 29 से पहले, क्योंकि बिकॉज 49,680 में सब कुछ आपको कंप्लीटली मिल रहा है. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर AM10 कोड यूज करते ही आपको अपने आप डिस्काउंट मिल जाएगा. वहीं पर आपका 1 ईयर की ऑप्शनल की 27,500, AM10 कोड यूज करते ही वहां पर आपका 24,750. गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज आपको पता है 1 अगस्त से आपकी प्राइस हाइक होने वाला है. तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में अगर चीजें करनी है तो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि बेस्ट फैकल्टी है. एक सब्सक्रिप्शन से सारी चीजें कवर होंगी, कोई भी फैकल्टी अनलिमिटेड एक्सेस, कितने ही बैचेस, कुछ भी ज्वाइन कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. और AM10 कोड इसलिए क्योंकि मैं आपकी जर्नी में हमेशा प्रॉमिस करता हूं कि आपकी हेल्प करूंगा. बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, वो आज भी चीजों के साथ डाउट्स पूछते हैं और आज भी क्लियर होते हैं. आज ही की बात है, आई थिंक 5 to 7 स्टूडेंट्स है जिनके डाउट्स से रिलेटेड थे. स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं अगर कॉल पर कभी कभी बात नहीं हो पाती है, एंड आई क्लियर ऑल द डाउट्स. ठीक है, वहीं पर अनअकैडमी कॉम्बैट AM10 कोड यूज करते ही आपको यहाँ पर डिस्काउंट बेसिकली फ्री में एनरोल कर लोगे और आपका 1 अगस्त दैट मींस अनअकैडमी कॉम्बैट होगा और 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलेगी. गाइस 28 जुलाई से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, रिवीजन और NCERT बैचेस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, हमने स्टार्ट की है अपनी मैपिंग सीरीज. सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, हमने स्टार्ट की है मैपिंग सीरीज. कहां पर? अपना फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर. और आज हमने 2 PM पर अपनी फर्स्ट स्पेशल क्लास कंप्लीट कर ली थी और अभी जस्ट आफ्टर दिस क्लास 11 PM पर अनअकैडमी ऐप पर हमारी सेकंड स्पेशल क्लास है मैपिंग को लेके, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. जो स्टूडेंट न्यू है उनको कैपिटल AM10 कोड यूज करके फ्री में एनरोल कर लेना है. वहां पर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी स्टूडेंट मेंशन कर देगा, सिर्फ AM10 कोड यूज करना है. या अनिरुद्ध मलिक सर्च कर लेना अनअकैडमी ऐप पर, फ्री में आपको एक्सेस हो जाएगी। उसमें हम लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड पर वो सीरीज आपके लिए लेके आई गई है। और कल अगर मैं बात करूं स्पेशल क्लासेस की, कल भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास होने वाली है। सबसे पहले होने वाली है 11 AM पर एनसीईआरटी की, उसके बाद आपकी सेकंड 2 PM पर मैपिंग सीरीज की, एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज वो भी अनअकैडमी ऐप है, 2 PM एमसीक्यू सीरीज और सॉरी मैपिंग सीरीज, और उसके बाद 3:30 को सेकंड मैपिंग सीरीज है आपकी। उसके बाद आपका 6 PM से हम स्टार्ट करने वाले हैं कल कंप्लीट 6 क्लास की एनसीईआरटी। कल मैराथन सेशन है एनसीईआरटी का, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी कवर कीजिए, एनसीईआरटी कवर कीजिए, वीडियोस प्राइवेट हो गई है। कल 6 क्लास की कंप्लीट मैराथन सेशन है एनसीईआरटी की, परसों 7 क्लास की कंप्लीट मैराथन सेशन है एनसीईआरटी का। इस तरीके से हम सारी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। फाइन, ओके तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। टेस्ट सीरीज भी आपको AM10 कोड से मिल जाएगी। और अभी 11 PM पर अनअकैडमी ऐप पर आपकी मैपिंग सीरीज है, AM10 कोड यूज करके वहां पर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। सो बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स के बारे में। फटाफट चीजों को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग क्या समझते हो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स? इन सेल्स से आप लोग क्या समझते हो, जस्ट मुझे ये बता दीजिए। उसके बाद तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर करता हूँ। देखिए क्या होता है, आपको सिंपली मैं चीज़ों को बताऊंगा, इन सब चीज़ों को भूल जाओ और मेरे साथ यहाँ पर आ जाइए, बस और कुछ नहीं। अब आप इंजॉय कीजिए चीज़ों को, क्या कीजिए, इंजॉय कीजिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंजॉय कीजिए चीज़ों को। किस तरीके से इंजॉय करना है, आइए हम आपको इंजॉय करवाते हैं। समझना चीज़ों को बहुत अच्छे से, ट्रस्ट में इंजॉय करोगे आप इस सेशन को बहुत ज़्यादा। देखिए गाइज, ये हमारी अर्थ है पूरी, समझना पॉइंट को, ये हमारी पूरी अर्थ है। और इस अर्थ पर ना डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स कैसे सर? अगर मैं बात करूं, आपको मैंने बढ़ाया था आइसोबार। आइसोबार वो लाइन होती है जहां पर सेम प्रेशर को ज्वाइन करती है। इसी तरीके से मैंने एक पॉइंट भी बताया था कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। दैट मीन्स जिस एरिया पर अलग टेम्परेचर होगा वहां पर प्रेशर भी अलग होगा। दैट मीन्स वहां पर प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होगा, वहां पर प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होगा। वो अभी मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझाने वाला हूं, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। गाइस फाइन, अब थोड़ा सा इशू प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, अब फाइन है। थोड़ा सा वो वायर में कुछ इश्यूज आ गए थे मेरे से, थोड़ा चेंज ना। फाइन, वीडियो अब भी स्टक कर रही है, क्लियर है? ओके, हम बात कर रहे थे प्रेशर बेल्ट की। उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी कुछ कंसेप्ट है, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चीज़ों को समझना, मैंने बात की प्रेशर बेल्ट की। गाइज ये हमारी पूरी अर्थ है ना, इस अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं बात करूं इक्वेटर के पास, अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल रीजन के पास, अगर मैं बात करूं आपका जो सब पोलार रीजन है और प्लस ऊपर का जो पोलार रीजन है, यहां पर अलग अलग रीजन पर अलग अलग प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब चीज़ों को समझते हैं, सर ये प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन क्यों होता है और कैसे होता है। आइए सबसे पहले आप मेरे साथ चीज़ों को समझिए। यहाँ पर आपको पता है ये हमारा सन का रेज है, सन की रेज आती है डायरेक्टली। ये वाला रीजन है, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन आपको पता है कि सन पर डायरेक्टली ओवरहेड होती है। इक्वेटर पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ओवरहेड होती है मैक्सिमम इक्वेटर पर। दैट मींस इक्वेटर पर डायरेक्टली सन की रेज आपकी फॉल होती है। किस किस स्टूडेंट को पता है? सबको पता है ना कि सर जो मैक्सिमम सन की रेज होती है वो डायरेक्टली ओवरहेड होती है इक्वेटर पर। अब इक्वेटर पर सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड हुई, समझना मेरा पॉइंट, इक्वेटर पर सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड हुई तो यहां पर ओवरहेड होने से क्या होगा, इस वाले एरिया का, इस इक्वेटर का टेम्परेचर हो जाएगा हाई। क्यों? क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं। ड्यू टू दिस आपका ओवरहेड होने के कारण यहाँ की जो एयर है वो वार्म एयर हो जाएगी। समझना पॉइंट को, यहाँ की जो एयर है वो वार्म एयर हो जाएगी और वार्म एयर राइज करना स्टार्ट करेगी, वार्म एयर राइज करना स्टार्ट करेगी। हमेशा याद रखना कि राइज किस तरीके से करेगी। अगर ये इक्वेटर है ना, ये तो अर्थ के लैटिट्यूड हो गए, ये तो अर्थ के लैटिट्यूड हो गए, बट यहाँ पर एटमॉस्फेयर है तो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर तक जाएगी, एटमॉस्फेयर में ऊपर तक जाएगी राइज होके। कहाँ से? इक्वेटर वाले पोर्शन से। और राइज होना स्टार्ट करेगी और एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर लेयर है अलग अलग, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोपॉज, जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में है। तो यहाँ पर जब आएगी ये ट्रोपोपॉज के पास, यहाँ पर जब आएगी ट्रोपोपॉज के पास, तो ये एयर क्या होगी? ट्रोपोपॉज के पास जो वार्म एयर राइज हुई थी वो कूल डाउन हो जाएगी। अब क्या होगा? ये एयर कूल डाउन हो जाएगी, जो राइज हुई थी अब ये क्या होगा? कूल डाउन हो जाएगी। अब कूल डाउन होने के बाद ये डायरेक्टली इस तरीके से राइज हुई तो इस तरीके से सिंक नहीं कर सकती, नीचे की तरफ डिसेंड नहीं कर सकती। तो क्या करती है? जब ये ऊपर की तरफ इस तरीके से राइज हुई तो इसका राइज होने के बाद ट्रोपोपॉज में एक ब्रांच इसकी इधर की तरफ चली जाती है नॉर्थ में और एक इधर की तरफ साउथ में। दैट मीन जब ये राइज हुई तो राइज होने के बाद एक ब्रांच यहाँ पर चली गई और एक ब्रांच इसकी यहाँ पर चली गई। सबको क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट? अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक एंड शेयर करना, चीज़ों को समझना। राइज हुई, ऊपर गई, यहाँ पर है ट्रोपोपॉज और इस ट्रोपोपॉज के बाद एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर चली गई। फाइन। अब क्या होगा? यहाँ पर आने के बाद जब ये एयर की ब्रांच यहाँ पर चली गई, ये क्या होगी? ये नीचे की तरफ सबसाइड करेगी, ये नीचे की तरफ सबसाइड करेगी। क्यों सर? क्योंकि अब ये एयर आपकी कूल डाउन हो गई है। अब कूल डाउन होने के बाद नीचे भी जाएगी तो ये यहाँ पर सबसाइड करेगी। क्यों? क्योंकि हैवी हो जाएगी और इधर वाली एयर यहाँ पर सबसाइड करेगी। समझना, इधर वाली एयर यहाँ पर सबसाइड करेगी और जब ये दोनों एयर सबसाइड करेंगी तो जहाँ पर ये सबसाइड करेंगी, इस वाली लोकेशन को समझना, जहाँ पर ये सबसाइड करेगी यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारी एयर आ जाएगी। तो बहुत सारी एयर आने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और इस एरिया को हम बोलते हैं क्या? इस एरिया को बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। किस किस को कंसेप्ट सेम? यहां पर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, ये बन गया एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया और ये बन गया एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। किस किस को चीजें क्लियर हो गई? सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी डाउट? तो क्या हुआ सर, यहां पर ये इक्वेटर वाला एरिया है, इक्वेटर पर जो एयर राइज हुई या यहां पर जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ वो क्रिएट हुआ ड्यू टू थर्मली इंड्यूस्ड, टेम्परेचर के कारण इंड्यूस्ड हुआ। यहां का जो टेम्परेचर या यहां की जो प्रेशर बेल्ट बनी, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू थर्मली इंड्यूस्ड। दैट मींस टेम्परेचर के कारण फॉर्म्ड हुई, टेम्परेचर के कारण फॉर्म्ड हुई। फाइन, ओके। अब मैं बताता हूं आगे जाके कि थर्मली इंड्यूस्ड हुई, बट यहां पर आने के बाद ये एयर डिसेंड हुई, इस वजह से यहां पर हाई प्रेशर डेवलप हुआ। यहां पर टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर डेवलप नहीं हुआ, यहां पर जो एयर राइज हुई थी उसके बाद ट्रोपोपॉज के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गई और उसके बाद कूल एयर क्या करेगी? डिसेंड करेगी और डिसेंड करने के बाद इसने यहां पर बनाया हाई प्रेशर और ये वाला जो हाई प्रेशर था ये डायनेमिक इंड्यूस्ड है। याद रखना, ये वाला हाई प्रेशर डायनेमिक इंड्यूस्ड है। क्लियर हो गया? ये वाला हाई प्रेशर क्या है सर? डायनेमिक इंड्यूस्ड है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? अब क्या होगा? यहां पर ये क्या है? एयर कहां पर है? ये एयर आपकी ऊपर एटमॉस्फेयर में राइज की है, ठीक है। यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है। समझना, हमने पढ़ा था कि जो एयर का मूवमेंट है वो ऑलवेज, अगर मैं बात करूं जो विंड का मूवमेंट होता है, विंड का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, हाई से लो प्रेशर की तरफ हमेशा मूव करता है, हमेशा हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। समझना पॉइंट मेरा, हाई से लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड का मूव करता है। तो क्या होगा? अब पॉइंट को समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर आपका यहाँ पर मैं चीज़ों को इसका यूज़ कर लेता हूँ, अगर मैं बात करूँ लाइट पिंक का, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या बन गया? ये डायनेमिक इंड्यूस्ड हाई प्रेशर बन गया। अब ये हाई प्रेशर यहाँ पर बना, तो एयर की क्या प्रॉपर्टी है, विंड की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, ये विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। समझे नहीं समझे, अब मैं आपको बताऊंगा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट्स का इश्यू है वो मैं सॉल्व आउट कर दूंगा बहुत जल्दी। अभी प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर जो वीडियो प्राइवेट हो गई है, कल मैराथन सेशन है उसमें मैं कवर कर दूंगा, बट इस कंसेप्ट को समझो। अब आइए आप यहां पर समझना मेरे साथ, यहां पर क्या हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर हुआ एयर का राइज, ठीक है। ट्रोपोपॉज आया, ट्रोपोपॉज के बाद ये एयर यहां पर आकर डिसेंड हो गई, यहां पर आकर डिसेंड हो गई, यहां पर बन गया हाई प्रेशर और यहां पर भी बन गया हाई प्रेशर। चीजों को समझना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब ये हाई प्रेशर बना तो आपको पता है कि जो विंड है उसकी टेंडेंसी होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। समझ में आ गया। बट सर अगर आप नोटिस कर रहे हो कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो जा रही है पर इनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हम नोटिस करेंगे, हम इनमें नोटिस करेंगे इन ट्रेड विंड्स में डिफ्लेक्शन हो रहा है। उस डिफ्लेक्शन का क्या कारण है, अब उस डिफ्लेक्शन का कारण समझिए क्या है। हमारी अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है और ड्यू टू रोटेशन एक फोर्स जनरेट होती है, उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। एक फोर्स जनरेट होती है, उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स, और वो कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, हमारी इन विंड को डिफ्लेक्ट करती है। अब आप दोबारा चीजों को समझिए, ये हमारी अर्थ का सरफेस है, इसमें क्या है कि हमारी अर्थ है ना 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है और उस टिल्ट के कारण हमारी अर्थ रोटेशन कर रही है। रोटेशन करने के कारण एक फोर्स जनरेट करती है, उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। और वो कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, जो भी चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उस चीज को आपका राइटवर्ड डिफ्लेक्ट कर देगी। जो भी चीजें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही है वो कोरियोलिस फोर्स उसको राइटवर्ड डिफ्लेक्ट कर देगी और सदर्न हेमिस्फीयर में उन चीजों को लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर देगी, उन चीजों को लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट कर देगी सदर्न हेमिस्फीयर में। समझे, क्लियर है यहां पर। तो अब क्या हुआ, आइए पीछे की तरफ, आइए पीछे की तरफ। यहां पर क्या हुआ, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, यहां से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गया। इसका राइट क्या है, अगर मैं ऊपर से इधर की तरफ आ रहा हूं तो मेरा राइट क्या है, ये वाला, तो ये अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो गई, ये अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो गई, ये अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो गई। इसी वजह से हम इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। दैट मींस नॉर्थ से आ रही है बट आपका ईस्टर्ली थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, इसीलिए हम इनको नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ। अब सेकेंड कंसेप्ट समझना, यहां से हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। क्लियर है, मैंने क्या बताया था, कोरियोलिस फोर्स के कारण लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करती है। अब लेफ्टवर्ड क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसका लेफ्टवर्ड क्या है, ये वाला, इसका लेफ्टवर्ड क्या है, ये वाला, इसका लेफ्टवर्ड क्या है, ये वाला। सो ये डिफ्लेक्शन जो आया वो कोरियोलिस फोर्स के उससे आया और यही रीजन है कि ये कोरियोलिस फोर्स इसको क्या बना देती है, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। आती तो नॉर्थ से पर डिफ्लेक्शन के कारण नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है, और ये वाली साउथ से आती है बट यहां पर साउथ की जगह यहां से डिफ्लेक्शन के कारण ये ऐसा लगता है साउथ ईस्टर्नली ट्रेड विंड्स है, साउथ ईस्ट से आ रही है, साउथ ईस्ट से आ रही है। समझिए, किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके के, ये हो गई आपकी साउथ ईस्टर्नली ट्रेड विंड्स, ये वाली हो गई साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और ये वाली हो गई नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, क्योंकि जो एयर राइज की थी वो राइज करने के बाद ट्रोपोपॉज के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गई और अलग अलग आने के बाद एक ब्रांच यहाँ पर चली गई और एक ब्रांच यहाँ पर चली गई। सबको क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट किसी भी तरीके से। अब क्या हुआ, यहां पर हाई प्रेशर बना और इस हाई प्रेशर को बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और कहां पर फॉर्म्ड होगा, सर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर फॉर्म्ड होगा 30 और 35 डिग्री लैटिट्यूड के पास। वहीं पर जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है वो फॉर्म्ड होगा 0 से 5 के बीच में, और बेसिकली ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है ये वेरी करती है बिटवीन 10 to 20 डिग्री के बीच में, ये प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करती है। वो आगे जाके बताऊंगा क्यों और किस तरीके से शिफ्ट करती है। समझे, अगर चीजें क्लियर हो तो लाइक शेयर करते रहिए। फिर मैं बता रहा हूं कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको, जो मैंने अभी तक आपको ये प्रेशर बेल्ट वाला कंसेप्ट समझाया। अब क्या हुआ, पॉइंट समझना। अब यहां पर समझना आप एक पॉइंट बहुत अच्छे से। अब ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर एक इधर की तरफ ब्रांच आ गई इसकी हाई प्रेशर की, समझ में आ रहे हो। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां पर पोलर वाला एरिया आ गया। कौन सा आ गया, पोल वाला एरिया आ गया। अब यहां पर पोल वाले एरिया में क्या हुआ, टेम्परेचर लो है। क्या है, टेम्परेचर लो है। समझना मेरा पॉइंट, टेम्परेचर लो है। तो टेम्परेचर लो क्या है, प्रेशर हाई है। टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, और यहां का भी हाई प्रेशर है। ये हाई प्रेशर टेंड करेंगे इधर की तरफ जाने का, और ऊपर वाला जो हाई प्रेशर है वो नीचे की तरफ आने का टेंड करेगा। और ऊपर से पोल से आया हाई प्रेशर, और यहां से गया ये हाई प्रेशर। अब ये दोनों हाई प्रेशर क्या कर रहे हैं, समझना, ये दोनों हाई प्रेशर एक यहां से गया एक यहां से गया, दोनों यहां पर मिलते हैं, और दोनों मिलने के बाद यहां पर ये राइज करते हैं। दोनों मिलने के बाद यहां पर ये राइज करते हैं, समझ में आ गया। एक ऊपर से आया एक नीचे से, दोनों हाई प्रेशर मिले, मिलने के बाद क्या करेंगे, अब ये असेंड करेंगे ऊपर की तरफ, और यहां से ये असेंड करते हैं, यहां से ये असेंड करते हैं। और जब असेंड करेंगे उसके बाद एक ब्रांच यहां पर आएगी, ठीक है, और एक ब्रांच यहां पर जाएगी, और यहां पे जाने के बाद ये ब्रांच भी इधर की तरफ डिसेंड करेगी, और ये वाली ब्रांच भी इधर की तरफ डिसेंड करेगी, समझ में आ गया। तो यहां पर जब ये वाली ब्रांच डिसेंड करेगी तो इधर वाले पोल पर कौन सा प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर, क्योंकि एयर डिसेंड कर गई। और यहां से जो सब पोलर लो प्रेशर है, इससे तो एयर असेंड की, और यहां पर आने के बाद जो एयर यहां से राइज हुई थी, जो एयर इक्वेटर से राइज हुई थी यहां पर, ये एयर अब इस वाली एयर के साथ मिलेगी, और दोनों कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज होने के बाद नीचे की तरफ आएंगी, और यहां पर बनेगा दोबारा हाई प्रेशर एरिया, यहां पर बनेगा दोबारा हाई प्रेशर एरिया, समझे। अब मैं राइज होने का सारे फैक्टर बताऊंगा, अभी चीजों को देखते रहिए आप, एक एक करके चीजों को देखते रहिए, चीजों को दोबारा बताऊंगा, बस आप चीजों को देखिए। गाइस प्लीज यार फोकस कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अननेसेसरी टॉक करनी है। एनसीईआरटी सीरीज सारी मैपिंग सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, और आप इस तरीके से, इतना इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है, आप अननेसेसरी बातों में वेस्ट कर रहे हो चीजों को। दोबारा मैं बताऊंगा, बट चीजों को समझो तो सही आप लोग। मैं दोबारा बताऊंगा, कोई इशू नहीं है। आइए मैं दोबारा समझाता हूं, छोड़ो इसको, सब कुछ छोड़ो, कुछ नहीं पढ़ना हमें इससे, हमें अपना पढ़ना है। आइए दोबारा समझिए, दोबारा समझना है आपको, सब कुछ छोड़ दीजिए। यहां पर जो भी मैंने आपको बताया सब कुछ माइंड से निकाल के बिल्कुल न्यू माइंड के साथ चीजों को पढ़िए और समझिए। ये हमारी अर्थ का सरफेस है, समझना पॉइंट को, ठीक है। हमारी अर्थ का सरफेस अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा अर्थ का सरफेस है, क्लियर है। अब इस अर्थ के सरफेस पर आपको पता है ये इक्वेटर वाला रीजन है। कौन सा रीजन है, ये इक्वेटर वाला रीजन है। यहाँ पर क्या हुआ, सन की रेज डायरेक्टली फॉल होंगी, सन की रेज डायरेक्टली फॉल होंगी, ठीक है। अब सन की रेज डायरेक्टली फॉल होंगी तो ये राइज करेंगी इस तरीके से, राइज करेंगे किस तरीके से, यहां पर इक्वेटर पर सन की रेस पड़ी और ये राइज करी ऊपर तक, और राइज करने के बाद ट्रोपोपॉज आ गया। यहां पर ट्रोपोपॉज आ गया, और ट्रोपोपॉज के पास आने के बाद ये कूल डाउन हो गई, यहां पर आकर ठंडी हो गई। अब ठंडी हो गई तो इन्हें सिंक करना है नीचे की तरफ। अगर राइज यहां से हुई है तो यहीं पर सिंक नहीं कर सकती ना, तो ये एक ब्रांच तो इधर चली गई और एक ब्रांच इधर चली गई। उसके बाद एक ब्रांच इधर जाने के बाद अब ये क्या हो गई, कूल डाउन हो गई, और कूल डाउन होने के बाद इनको सिंक करना है, तो एक ब्रांच तो यहां पर सिंक कर गई और एक ब्रांच यहां पर सिंक कर गई, समझना पॉइंट को, एक ब्रांच यहां पर सिंक कर गई। तो अब क्या हुआ, यहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया एरिया एयर का, तो इस वाले एरिया पर आपका हाई प्रेशर बन जाएगा, और इस हाई प्रेशर एरिया को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि जहां पर ये हाई प्रेशर बनता है वो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में फॉर्म्ड होता है हाई प्रेशर एरिया। अब सबको क्लियर है, सब बताऊंगा मैं। पोलर वाला आप दोबारा सुनिए अच्छे से, पूरा रिपीटेशन दोबारा बताऊंगा, फिर किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, ये हाई प्रेशर बन गया। यहां पर क्या है, लो प्रेशर है क्योंकि एयर राइज हुई है, यहां पर है हाई प्रेशर और यहां पर भी है हाई प्रेशर, समझे, क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट। तो हाई प्रेशर बना और इस वाले हाई प्रेशर को बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। और ये नॉर्थ में है और ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, बट ये साउथ में है, ठीक है। और ये इक्वेटर वाला है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। फाइन, अब आपको पता है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। और याद रखना, अब एक चीज समझना, अभी आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी क्या हुआ, जो ये विंड है ये आपकी ऊपर एटमॉस्फेयर में राइज कर रही है, बट जो एयर है वो एयर एटमॉस्फेयर में राइज की, यहाँ पर जो टेम्परेचर हाई होने से एयर राइज की, और इसने राइज क्या किया, ऊपर एटमॉस्फेयर में राइज किया। बट अगर मैं विंड की बात करूँ ना, ये विंड आपकी सरफेस के ऊपर ट्रेवल होगी, सरफेस पे। ये एयर तो राइज की बट विंड सरफेस के ऊपर ट्रेवल होगी। अब क्या हुआ, इस विंड ने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना स्टार्ट किया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना स्टार्ट किया। सरफेस पर चल रही है, सरफेस पर, समझना पॉइंट, सरफेस पर चल रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब क्या हुआ, ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी नॉर्थ में, तो यहां पर ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ड्यू टू द कॉरियलिस फोर्स, और ये लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट होगी ड्यू टू द कॉरियलिस फोर्स, और ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। यहां तक क्लियर है। अब ये हाई प्रेशर जो था, यहां पर जो हाई प्रेशर था, और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ गया, तो इस हाई प्रेशर की ब्रांच एक ऊपर की तरफ जाएगी, समझ रहे हो। और यहां पर पोल पर भी क्या है, टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडा एरिया है, सन की रेज नहीं पड़ रही है, तो इसकी हाई प्रेशर जो एयर है वो एक तरीके से नीचे की तरफ आएंगी, तो वो वाली एयर इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, और ये वाला हाई प्रेशर भी ऊपर की तरफ, और ये वाला हाई प्रेशर भी, और यहाँ पर आकर ये दोनों हाई प्रेशर आके मिल जाते हैं। यहाँ से ये निकला हाई प्रेशर, समझना, इस वाले पॉइंट पर आकर सब ट्रॉपिकल या सब पोलार वाले एरिया पर, यहाँ से सब ट्रॉपिकल का हाई प्रेशर आया, ऊपर से पोलार का हाई प्रेशर आया, दोनों यहाँ पर आकर मिली, कहाँ पर, सब पोलार वाले एरिया पर, यहां पर आकर मिली दोनों। और जब ये सब पोलार वाले एरिया पर आके मिली, उसके बाद यहां पर आने के बाद ये राइज कर गई, इधर से ये आई, इधर से ये आई, दोनों मिलने के बाद राइज कर गई। क्या हुआ, यहां पर एयर ने असेंड करना स्टार्ट किया, क्या किया, असेंड किया, और एक तरीके से यहां पर अब एयर दोबारा असेंड कर गई, यहां पर एयर अब दोबारा असेंड कर गई, ये एयर यहां पर असेंड कर गई ऊपर की तरफ, समझ में आ गया, उठ गई दोबारा, समझे। और कितना हिंदी में बताऊं भाई, इससे ज्यादा हिंदी में क्या बताऊं, बायलिंगुअल चल रहा है मेरे हिसाब से, जो मेरा टीचिंग में है ना, उसमें ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी ना इंग्लिश वालों को होगी, ठीक है। अब मैं ट्रस्ट में ये नहीं बता सकता कौन सी वायुदाब पेटियां हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ट्रस्ट में वो चीजें नहीं हो पाएंगी, आप खुद से देख लेना, बट कंसेप्ट बता सकता हूँ, सिंपली इतना कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये एयर राइज कर गई, अब ये एयर राइज कर गई तो ये भी शिफ्ट करेगी नीचे की तरफ, ये वाली एयर जब राइज की तो ये नीचे की तरफ बैठेगी, और ये वाली एयर एक ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ऊपर जाने के बाद ये वाली एयर यहाँ पर पोल पर डिसेंड करेगी, और जब पोल पर डिसेंड करेगी तो यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। बट इस पे आपको पहले से ही पता है, जो हाई प्रेशर है ना वो टेम्परेचर के कारण है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, और ये वाली जो एयर है एक ब्रांच यहाँ पर आएगी, और उसके बाद ये डिसेंड होगी, ठीक है, डिसेंड होगी। अब आप चीज़ों को समझना, यहाँ से एयर राइज की, यहाँ पे गई, डिसेंड की, डिसेंड होने के बाद विंड नीचे आई, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सरफेस पर आ गई इक्वेटोरियल पर, फिर टेम्परेचर हाई हुआ, फिर वार्म हुई, फिर इस तरीके से गई, फिर पूरा सर्कल चला, और इस पूरे सर्कल को या इस पूरी सेल को बोलते हैं हैडले सेल, इस पूरी सेल को बोलते हैं हैडले सेल। अब यही चीज़ इसके साथ हुई, यहाँ से एयर गई, ये फिर ऊपर जाके दोबारा डिसेंड हुई, फिर यहाँ आई, फिर नीचे असेंड हुई, इस वाले एयर सर उसको बोलेंगे फेरल सेल, इस वाली सेल को बोलेंगे फेरल सेल, क्योंकि ये हैडले ने दी थी और ये फेरल ने दी थी। ये वाली है बीच वाली, जिसको हम बोलते हैं इस वाली सेल को, दिस वन इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ से एयर राइज हो गई, कम है, यहाँ पर एयर डिसेंड हो गई, तो ये वाली जो डिसेंड वाली है इसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल नहीं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों, क्योंकि एयर डिसेंड करी है, यहाँ पर आके डिसेंड करने से प्रेशर ज़्यादा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक ऊपर से पोल से आई, एक नीचे से आई, दोबारा असेंड की, दोबारा असेंड की, एक ब्रांच इधर गई और एक ब्रांच इधर आई, और उसके बाद ये दोबारा डिसेंड की, तो यहाँ पर एयर असेंड की है तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और आपको पता है पोल पर तो पहले से ही टेम्परेचर बहुत हाई है, उस हाई टेम्परेचर के कारण लो टेम्परेचर है, उस लो टेम्परेचर के कारण यहाँ का प्रेशर हाई बना। तो याद रखना पोल का और इक्वेटर का जो टेम्परेचर है या जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के कारण बना। दैट मीन्स यहाँ की जो प्रेशर बेल्ट है और यहाँ की जो प्रेशर बेल्ट है वो आपकी थर्मली इंड्यूस्ड है, बट ये जो है वो एयर के सबसाइड करने से और एयर के राइज करने से बनी। ये दोनों प्रेशर बेल्ट आपकी डायनेमिक इंड्यूस्ड है। कौन सी? सब ट्रॉपिकल और सब पोलर एयर प्रेशर। और उसके बाद ये भी तो एक पूरा सेल बन गया पोलर वाला, इसको बोलते हैं पोलर सेल, इसको बोलते हैं पोलर सेल। किस किस को कंसेप्ट समझ में आया और किस किस को नहीं आया? किस किस को कंसेप्ट समझ में आया, किस किस को नहीं आया? दोबारा एसेंड क्यों हुआ? दोबारा ऊपर गई ट्रोपोपॉज के पास, यहां पे जाके कूल डाउन हो गई, फिर नीचे आएगी ये, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आने के बाद इस तरीके से चीजें मूव होंगी। फिर जब नीचे आ गई तो यहां पर हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर कहां जाएगा? इस सब पोलर लो प्रेशर की तरफ इस तरीके से। और ये आपका कहां पर? इस डायरेक्शन में मूव करेगा राइटवर्ड। तो यहां पर जब राइटवर्ड मूव करेगा तो ये वाला एरिया, और आपको पता है यहां पर इसको बोलेंगे वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है और ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से फील होता है कि ये वेस्टर्न डायरेक्शन से आती है, और जब ये वाली ट्रेड विंड से ये इस तरीके से होगा वेस्टर्ली, और यहां पर ये वाला इस तरीके से होगा ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। किस किस को कंसेप्ट समझ में आया और किस किस को नहीं आया मुझे बता दीजिए। बस मैं कुछ भी चीज नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर क्लियर हुआ तो बताइए, नहीं क्लियर हुआ तो बताइए। इसके बाद याद रखना आपकी मैपिंग सीरीज है 11 PM पर, फ्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पर। जस्ट आफ्टर दिस क्लास 11 PM पर जो स्टूडेंट न्यू है कैपिटल AM10 कोड यूज करना है उनको। और कल NCERT की मैराथन सेशन है 6 PM पर यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद डे आफ्टर टुमारो 7 PM पर, वो 6 PM पर ही आपकी 7th क्लास की मैराथन सेशन है। क्लियर हो गया? आज के बाद कोई डाउट? एक ही कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, समझे? ये वाली सेल कौन सी है? सर ये वाली है हैडले सेल, क्योंकि पूरी सेल बना रही है। ये वाली सेल कौन सी है? सर ये वाली है फेरल सेल। और उसके बाद सर इससे ऊपर वाली जो सेल है उसको बोलते हैं पोलर सेल। समझ में आ गया पोलर सेल। अब 2-3 कंसेप्ट और समझिए मेरे साथ आके फटाफट। इस वाला जो एरिया है यहाँ पर इक्वेटर है, इस इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में, समझना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। इस इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ पर और 5 डिग्री साउथ पर जो रीजन है उसको बोलते हैं डोल्ड्रम। उस रीजन को बोलते हैं डोल्ड्रम। व्हाट इज डोल्ड्रम? डोल्ड्रम का मतलब है काम एरिया है, बिल्कुल शांत एरिया है। क्यों काम एरिया है? क्योंकि सर यहां से एयर राइज कर रही है, एयर राइज करेगी जब इस वाले एरिया से, समझना पॉइंट को, लाइक शेयर करते रहिए चीजों को। एयर राइज कर रही है इस वाले एरिया से, तो नीचे तो कुछ एयर है ही नहीं, नीचे बिल्कुल शांत एरिया है, खाली पड़ा है। तो ये वाला जो एरिया है 5 डिग्री पर, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो एयर ज्यादा राइज करेगी, ज्यादा राइज करेगी तो ये वाला एरिया वैकेंट रहेगा। फाइन। अब बात करते हैं ITCZ की। ITCZ क्या है? सर ITCZ है लो प्रेशर एरिया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मतलब यहां पर ये हाई प्रेशर एरिया है और यहां पर भी हाई प्रेशर एरिया है। इसकी हाई प्रेशर एरिया यहां पर गई लो प्रेशर पे, और ऊपर का हाई प्रेशर इस लो प्रेशर पर आया। दोनों हाई प्रेशर एरिया यहां पर इस लो प्रेशर एरिया पर आकर कन्वर्ज हुए, इसी वजह से इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। दैट मींस ट्रॉपिक्स के पास आके जो हाई प्रेशर है आपकी वो कन्वर्ज हो रही है इस लो प्रेशर के पास। और हमेशा याद रखना जो ये लो प्रेशर एरिया है इक्वेटोरियल, मैंने क्या बताया था, ये 0 से लेके 20 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेके 20 डिग्री साउथ, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट मूव करती है। अगर सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पर है तो यहां पर है, और आपको पता है जुलाई में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाती है, तो टेम्परेचर यहां पर हाई है और टेम्परेचर यहां पर हाई है तो लो प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा, और इसी वजह से ये लो प्रेशर बेल्ट भी मूव करती रहेगी अप और डाउन। क्लियर है? फाइन। किस किस को डाउट में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके से कोई भी इशू? कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट आ गया, डोल ड्रम का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आइए यहां पर, अब आइए समझिए, देखिए क्या हुआ। अब यहां पर समझिए एक और पॉइंट, यहां पर क्या है, ये वाला एरिया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को बोलते हैं होर्स लैटिट्यूड। इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को बोलते हैं होर्स लैटिट्यूड। क्यों सर होर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली जब एंशिएंट टाइम्स में जो ट्रैवलर्स होते थे, उनकी जो बोट्स होती थी, उसमें हॉर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो बेसिकली क्या होता था, यहाँ पर जो हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ आ रही थी, तो यहाँ पर विंड का मूवमेंट नहीं होता था इस वाले एरिया में। तो जो बोट है ना, वो आगे की तरफ मूव नहीं हो पाती थी। इसी वजह से, क्योंकि लोड हो जाता था हॉर्सेस का, इसी वजह से उन हॉर्स को नीचे उतार दिया करते थे समुद्र या पानी में, और इस एरिया को बोलते थे हॉर्स लैटिट्यूड। इस एरिया को बोलते थे हॉर्स लैटिट्यूड। सबको समझ में आया? अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई, मेरे से पूछ लीजिए अभी भी, कोई डाउट हो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है। समझ में आ गया? डोल ड्रम का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, हॉर्स लैटिट्यूड का कंसेप्ट सबको कवर हो गया, क्लियर है? फाइन। अब एक दो कंसेप्ट और बताने हैं मुझे आगे, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, फंडे जिसको बोलते हैं। इसमें सिर्फ कंसेप्ट का ही तो खेल है, और वो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। और क्या इश्यू है, कंसेप्ट को परफेक्ट बनाना है। अब मैं आपको, एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर कहाँ पर असेंड हुई? देखिए यहाँ पर एयर राइज होती है, राइज होने के बाद ट्रोपोपॉज पर पहुंची, ट्रोपोपॉज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर एयर डायरेक्टली नीचे तो असेंड कर नहीं सकती, यहाँ पर जाने के बाद असेंड करेगी। जब एयर यहाँ दोनों जगह असेंड करेगी तो इधर हाई प्रेशर होगा, क्योंकि एयर ने असेंड किया, प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ये हाई प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ का जो ऊपर का हाई प्रेशर है नीचे की तरफ आएगा। ये दोनों मिलेंगे यहाँ पर आकर सरफेस पर, और मिलने के बाद ये राइज करेंगे, क्योंकि जब कन्वर्ज होंगी क्या करेंगे, ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे यहां पर। और जब ऊपर जाएंगे इस वाले एरिया में लो प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर, एक बेल्ट इधर की तरफ जाएगी, एक बेल्ट इधर की तरफ, क्योंकि कूल डाउन होगी, डिसेंड करेगी, एक इधर की तरफ चली जाएगी, और सेम इधर की तरफ होगा। जब यहां पर ये चला तो ये राइज हुआ, और एक बेल्ट इधर की तरफ डिसेंड हो गई। इस वाली को बोलेंगे हम, आपकी कौन सी सेल है, हैडले सेल। इस वाली सेल को बोलेंगे फेरल सेल, और इस वाली सेल को बोलेंगे पोलार सेल। हमेशा याद रखना, जो पोलार आपका पोलार हाई प्रेशर एरिया है, ये वाला, ये थर्मली इंड्यूस्ड टेम्परेचर के कारण। जो इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये भी टेम्परेचर के कारण। और जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है और सब पोलार लो प्रेशर, ये दोनों डायनेमिक इंड्यूस्ड है, क्योंकि एयर डिसेंड और असेंड होने के कारण बन रही है, टेम्परेचर के कारण नहीं बन रही है। अब क्लियर है? फाइन, चीजें, कंसेप्ट, सब कुछ। इस सेशन के बाद सेशन की तैयारी कर लो, मैपिंग सीरीज है, आप लोगों की डिमांड पर लेक्स पढ़ेंगे इंडिया की, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। 11 PM पर है अनअकैडमी ऐप पर, जस्ट आफ्टर दिस क्लास। जो स्टूडेंट न्यू है, कैपिटल AM10 कोड यूज करना है और कुछ नहीं। कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया, डोल ड्रम का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब 2-3 कंसेप्ट और समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहला कंसेप्ट क्या है, यहां पर समझना, ये वाला। यहां पर क्या होता है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा आपका रेनफॉल होती है इस वाले एरिया में। क्यों सर? क्योंकि जब एयर राइज होगी तो एयर राइज होने के बाद कूल डाउन होगी, और जैसे ही कूल डाउन होगी यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और जब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर रेनफॉल होती है। समझ में आ गया? वहीं पर आपका जो ये वाला एरिया है, समझना पॉइंट, यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ट्रॉपिक्स वाला सब ट्रॉपिकल एरिया, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री 30 to 35 डिग्री नॉर्थ और 30 to 35 डिग्री साउथ। तो आपने नोटिस किया होगा जो 30 to 35 डिग्री नॉर्थ है, वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट हैं वो मैक्सिमम डेजर्ट यहाँ पर फॉर्म्ड होते हैं। वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट हैं वो सब यहीं पर फॉर्म्ड होते हैं। अब क्वेश्चन है सर वो डेजर्ट यहाँ पर क्यों फॉर्म्ड होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आकर जो एयर राइज की, वो इस वाले एरिया में आके डिसेंड करती है, और जब एयर डिसेंड करेगी तो रेनफॉल तो होगी नहीं। जब एयर राइज करती है तभी तो मॉइस्चर लेके जाती है जो इक्वेटोरियल रीजन पे करती है, और इस वाले एरिया पर तो एयर डिसेंड कर रही है, और एयर डिसेंड करने का मतलब है इस वाले पॉइंट पर आपकी रेनफॉल होगी नहीं। और आपको पता है जितने भी मेजर डेजर्ट हैं वर्ल्ड के वो इसी लैटिट्यूड पर हैं, बिटवीन 30 टू 35 डिग्री इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। अगर मैं बात करूं गोबी डेजर्ट के बारे में या कोई और डेजर्ट के बारे में, या तो रेन शेडो एरिया होगा या कोल्ड करंट होगा, बट ये वाला जो रीजन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यहां पर एयर डिसेंड करती है। और जब एयर डिसेंड करेगी तो रेनफॉल कैसे होगी? जब तक एयर राइज नहीं करेगी, मॉइस्चर नहीं उठाएगी, रेन कैसे करेगी? इस वाले एरिया में रेनफॉल कम होती है, क्योंकि यहां पर है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर पर एयर डिसेंड कर रही है, इसी वजह से। किस किस को चीजें क्लियर हो गई यहां पर? किसी भी तरीके का एक सिंगल डाउट हो तो मुझे बताइए, एक भी पॉइंट पर। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट अगर क्लियर हो गया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिए चीजों को, वीडियो को अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल आपको 6 PM मिलने वाले हैं हम, किस पर? YouTube पर 6 क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी होगी एक ही लेक्चर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना इस एनसीईआरटी को। फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, कोई डाउट नहीं, सब चीजें समझ में आ गई? ठीक है, आपको पता लग गया कि प्रेशर सिस्टम कौन कौन से फैक्टर से कंट्रोल होता है, थर्मल फैक्टर पता लग गया कौन कौन से हैं, ये वाला थर्मल इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और ये वाला थर्मल दैट मींस हाई प्रेशर बेल्ट। फाइन, उसके बाद डायनेमिक फैक्टर्स आपको पता लग गया। डायनेमिक फैक्टर्स किस किस के कारण? कोरियोलिस फोर्स होती है, उसके साथ साथ यहां पर ये वाली बेल्ट जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है और सब पोलर लो प्रेशर, ये दोनों बेल्ट है डायनेमिक फैक्टर के कारण, और ये दोनों थर्मल फैक्टर के कारण। ये पहली सेल है, इस सेल को क्या बोलेंगे? हैडले सेल। उसके बाद ये पूरी सेल बनती है, इसको बोलते हैं फेरल सेल, और उसके बाद ये वाली सेल बनती है जिसको बोलते हैं पोलर सेल। सबको क्लियर है एक एक पॉइंट, सारी चीजें? इस तरीके से एयर राइज होगी, फिर यहां पर आकर एयर डिसेंड होगी, इधर वाली एयर यहां पर डिसेंड होगी। जब डिसेंड होगी तो यहां पर आने के बाद एक ब्रांच इधर आ जाएगी, एक ब्रांच इधर आ जाएगी, पोल से नीचे वाली की तरफ चलेगी, फिर ये सब पोलर वाले पर फिर राइज होगी, एक ब्रांच इधर की तरफ, एक ब्रांच इधर की तरफ, ये पूरा सेल का फॉर्मेशन कर देगी ईजिली। सब पढ़ाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सारी एनसीईआरटी मैराथन सेशन के थ्रू अब कवर होने वाली है। फाइन, ईस्टर्नली विंड्स इज कॉल्ड एज ट्रेड विंड्स। बेसिकली अगर आप देखेंगे ये विंड्स है, अगर एयर देखेंगे तो एयर, मैंने हमेशा बताया एयर क्या करती है, एयर वर्टिकली राइज करती है और विंड हॉरिजॉन्टल मूव करती है। तो आपका यहां पर जो ये मूव करेगी इसको ईस्टर्नली ट्रेड विंड्स बोलेंगे ना, क्योंकि ईस्टर्न डायरेक्शन से आती है, ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है। इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं क्योंकि ऐसा फील होता है जैसे वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर है आपका लो प्रेशर, यहां पर है, सॉरी, इस वाले एरिया में है आपका हाई प्रेशर, ठीक है, और इस वाले एरिया में है लो प्रेशर, इस वाले में हाई प्रेशर, इस वाले में लो प्रेशर। तो अब ये हाई प्रेशर से क्या होगा? लो प्रेशर की तरफ चलेगी, लो प्रेशर की तरफ चलेगी, और मैंने क्या बताया था? लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसी वजह से वेस्टर्नली और ईस्टर्नली ट्रेड विंड्स का सारा कंसेप्ट मूव करता है। ठीक है, समझे? ये तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड है, ईस्टर्नली और वेस्टर्नली ऊपर वाली है, क्योंकि ये बेसिकली ऐसा लगता है। अब रीजन बताता हूं ऐसा क्यों हुआ, एक और रीजन बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मैं बात करूं, इसको बोला हमने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इसको बोला साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है और ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है। समझे? यहां से इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गई, राइट में डिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या हुआ? वेस्टर्लीज लगी। ये आपकी ऊपर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई और इसको ईस्टर्लीज बोल दिया। अब बोलोगे सर डायरेक्शन तो इसकी, इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों कहा? आ तो ये भी ऐसे ही रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरह, और इसको हमने साउथ ईस्ट क्यों कहा? ये हमें ऐसी लग रही है साउथ ईस्ट की तरफ से जा रही है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज होगी तो उसका डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। पहले इतना डिफ्लेक्शन हो रहा था, अब वो डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स और ज्यादा हो गई है इक्वेटर से पोल की तरफ कॉरियलिस फोर्स इंक्रीज होती है और 0 से 5 के बीच में तो कॉरियलिस फोर्स एब्सेंट होती है, जिसके कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी इस वाले रीजन में आते ही नहीं है 0 से 5 डिग्री पर। और यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि ये आपकी वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि ये नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, ऐसा लगता है कि आपका यह साउथ वेस्ट से आ रही है, ऐसा लगता है कि वेस्टर्न ही डायरेक्शन से आ रही है, इतना डिफ्लेक्शन होता है। और इस वाली में ऐसा नहीं लगता कि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ऐसा लगता है ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। समझ में आ गया? फाइन, किस किस को कंसेप्ट क्लियर हो गए? तो बेसिकली आज की क्लास में यही जितने भी आपके कंसेप्ट थे वो मैंने पूरे कवर करवा दिए। इक्विटोरियल, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ, डोल्ड्रम क्या होते हैं, होर्स लैटीट्यूड क्या होती है, कॉरियलिस फोर्स क्या होती है, प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आई कवर ईच एंड एवरीथिंग। समझ में आ गया? होर्स लैटीट्यूड क्या है, यहां पर एयर सबसाइड कर रही है, तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली इस वाले एरिया से हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, तो यहां पर तो विंड है ही नहीं, ये वाला एरिया तो यहां पर विंड है ही नहीं, क्योंकि विंड तो चली गई अवे फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो यहां पर आपके जो हॉर्स होते हैं ना, एंशिएंट टाइम में जो ट्रैवलर्स होते थे उनकी बोट में जो हॉर्स होते थे उनको बोट से उतारना पड़ता था, क्योंकि बोट मूव नहीं कर पाती थी आगे की तरफ, इसीलिए इस वाले एरिया को हॉर्स लैटीट्यूड बोला जाता है, समझ में आ गया? पूरा कंसेप्ट क्या डोल्ड्रम है, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, किस किस के बीच में आता है, कितने रीजन पे आता है, विड्थ क्या होती है, व्हाट इज ITCZ, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। फॉर्मेशन कैसे होता है, थर्मली इंड्यूस्ड है आपकी इक्विटोरियल, क्लाइमेट पर क्या होता है, कन्वेक्शन होता है तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वर्टिकल, एयर वर्टिकली राइज होगी, उसके बाद क्यूमुलस निम्बस क्लाउड बनेंगे, उसके बाद हॉर्स लैटीट्यूड क्या होता है, कहां पर फॉर्म्ड होती है, इस तरीके से सारी चीजें फॉर्म्ड होने के बाद क्या रीजन है, यहां पर ये सबसाइड करती है इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको चीजें बहुत अच्छे से बता दी है, क्या क्या होता है सबसाइड करने के बाद, फिर एक ब्रांच यहाँ जाती है, ऊपर की ये ब्रांच आती है, फिर ये राइज करती है, एक बेल्ट इधर, एक बेल्ट इधर, ये पूरा कंसेप्ट इस तरीके से बता दिया। क्लाइमेट का एक एक चीजें, हॉर्स लैटीट्यूड क्या होता है, सब पोलर क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, सीजनल बिहेवियर क्या होता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में बता दिया जो ऊपर की तरफ बनती है, उसके साथ साथ कॉरियलिस फोर्स क्या होती है, अर्थ के रोटेशन के कारण होती है, क्या करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। कॉरियलिस फोर्स से क्या होता है, इसके इफेक्ट बता दिए, उसके कारण आपकी जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, उनके मूवमेंट पर इफेक्ट आता है, यही कुछ और नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट आफ्टर दिस क्लास आपका AM10 कोड यूज करके अनअकैडमी ऐप पर आपकी क्लासेज है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, geography_5 या unacademy_anirudh malik, दोनों सेम ही है। तो यहां पर जब आप ये geography_5 टेलीग्राम चैनल यूज करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा गाइस लिंक उस क्लास का। या अनअकैडमी ऐप पर जाइए, अनिरुद्ध मलिक सर्च कीजिए, वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जस्ट 20 मिनट्स बाद आपका AM10 कोड यूज करके क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मैपिंग सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैपिंग सीरीज है अभी आपकी। उसके बाद आपकी एक मैपिंग सीरीज के बाद मॉर्निंग में 11 से लेकर 12 तक NCERT 6 से लेकर 12 MCQ के थ्रू कवर हो रही है। उसके बाद आपका 2 PM पर आपकी इंपॉर्टेंट पीक्स की मैपिंग सीरीज है, और उसके बाद आपकी 6 PM पर मैराथन सेशन है यूट्यूब पर, 6 क्लास की कंप्लीट NCERT। ये सारी चीजें हम कल कवर करेंगे बहुत अच्छे से। और अभी आ जाइए, इस कोड को यूज कर लीजिए। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 28 जुलाई, दैट मीन्स टुमारो ऑनवर्ड्स आपको जो 45% डिस्काउंट मिल रहा है वो सिर्फ AM10 कोड यूज करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ मिलेगी, पूरी कोर्स स्ट्रक्चर, बुक्स किस तरीके से पढ़नी है, मैं आपको हर एंड से आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करने वाला हूं। जस्ट ये कोड को यूज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय कर सकते हो आप AM10 कोड यूज करने से। तो डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो यूज कर लीजिए, बिकॉज 1 अगस्त से आपकी फीस भी हाइक होने वाली है। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है, टेलीग्राम चैनल पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। ओके गाइस, तो लाइक शेयर करते रहिए। उसके बाद जस्ट अभी आपको मिल रहे हैं स्पेशल क्लास पर, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। सो बाय, टेक केयर, सी यू।